आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई भी। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए स्टार प्लस के यूट्यूब पेज को। वचन देती हूँ नी, मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगी और खुद से पहले मैं तुम्हें रखूंगी। मैं वचन देती हूँ नी, तुम हमेशा मेरे दिल में रहोगे। मां बनने वाली है, मैं उसे शादी करने जा रहा हूं। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, मेरा ये करना जरूरी है। मैं साईशा से प्यार करता हूं। माय व्हाट, कामिनी, कामिनी स्टॉप इट, कामिनी नो। तू इस तरह से भाग क्यों आया? वहां तेरी जरूरत थी। लीडिया है वहां, सिक्योरिटी वो देख लेगा, रजिस्ट्रार शादी देख लेगा। मैं थक गया था डर, इसलिए चला है। थक गया होता तो इस तरह से भाग के नहीं आता। तू अवनी से कितना भी भाग ले मगर उससे ज्यादा दूर नहीं भाग पाएगा। तू
इस कड़वाहट के साथ कब तक जिएगा तूने? भूल जा सब कुछ, अपना ले अपनी को, माफ कर दे उसे। देख, दरअसल तू जानता है और हम भी जानते हैं कि खुश तू अवनि के साथ ही रह सकता है। डैड, ये बात आपसे मैं पहले भी कह चुका और एक बार फिर से दोहरा रहा हूं, मैं अवनि से नफरत करता हूं। नफरत? तू जिसे नफरत कह रहा है ना, दरअसल वो तेरा गुस्सा है और तू अपना गुस्सा जाहिर करता है तो उससे साफ पता चलता है कि तू अवनि से प्यार करता है। माफ कर दे बेटा। 10 साल, 10 साल दर्द में रहा हूं मैं, 10 साल तड़पते देखा है मैंने आप लोगों को, कैसे माफ कर दूं डैड? अवनि को माफ करने से बेहतर है कि मैं मिताली को माफ कर दूं। एटलीस्ट उसने जो कुछ भी किया वो मुझे पाने के लिए किया, मेरे प्यार को पाने के लिए किया, और अवनि ने जो कुछ भी किया मुझसे दूर जाने के लिए। नहीं, दूर जाने के लिए नहीं, तुझे और तेरे परिवार को विद्युत से महफूज रखने के। नहीं डैड, अवनि और मैंने प्यार किया था, सारे फैसले साथ में लेने का वादा किया था, और उसने क्या किया, मुझसे दूर रहने का फैसला अकेले लेकर ये रिश्ता खत्म कर दिया। डैड, आज मैं अवनि से नफरत करता हूं और हो सकता है कल उसके होने ना होने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़े। What it is? हमने तो ये डेकोरेटेड कार मंगवाई नहीं थी। माँ अपने बच्चे से कभी दूर नहीं रह सकती। साइशा, अब तुम हमारे घर की बहू हो, हमारी कपूर फैमिली को तुम वारिस देने वाली हो। तुम ही बताओ, ऐसे में भागी कैसे नहीं चली आती? अम्मी जी, अब साइशा हमारे घर की बहू है, आप जितनी जल्दी अपनी बेटी की विदाई करेंगे उतनी जल्दी मैं अपनी बहू का गृह प्रवेश करवा पाऊंगी। अम्मी जी, मैं वादा करता हूं आपसे कि मैं साहिशा को हमेशा खुश रखूंगा, और अब तो मॉम भी मान गई हैं, अब ये हम सबके लिए एक नई शुरुआत है। जान दीदी, अब तो मेरे सारे सपने पूरे हो गए, अब आपको परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है। कामिनी जी, कल पगफेरे की रस्म है, मिष्टी को करण के साथ जरूर भेजिएगा। जी बिल्कुल, रस्में तो सारी पूरी की जाएंगी। सारी ड्रेसेस तुम्हारे लिए, मैंने डिजाइनर को सख्त इंस्ट्रक्शंस दिए हैं।
कि तुम्हारी ड्रेसेस क्लासी बट कंफर्टेबल होने चाहिए। याद रखना, अब से पूरी दुनिया की नजरें तुम पर होंगी। आफ्टर ऑल तुम कपूर फैमिली को उनका नेक्स्ट जनरेशन जो देने वाली हो। मुझे पता भी नहीं हाउ टू थैंक यू आंटी। मुझे आंटी नहीं, मॉम कहकर बुलाओ। अब तुम मेरी बहू हो। नाउ गो गेट रेडी। तुम दोनों के लिए एक रोमांटिक कैंडल लाइट डिनर और नाइट स्टे का इंतजाम किया है। करण के फेवरेट रिजॉर्ट में बुक किया है। ओ डार्लिंग, आज तुमने मुझे इंप्रेस कर दिया। तुमने साइशा को सिर्फ एक्सेप्ट नहीं, खुले दिल से जो एक्सेप्ट किया है ना, आई एम वेरी हैप्पी। केके को साइशा जैसी ही ग्राउंडेड लड़की चाहिए थी। हेलो मैडम, काम हो गया। मुफ्तीलाल का घर हमारे लॉयर ने केस में जीत लिया है। चलो, कोई तो गुड न्यूज आई, वरना आजकल तो मुझे शॉकिंग न्यूज ही मिल रहे थे। मुझे साइशा के लिए अभी भी फिक्र हो रही है। कामिनी जैसे लोग इतनी जल्दी बदल नहीं सकते। अवनी, अवनी, शादी, बच्चे, ये सब ऐसी खुशियां हैं जिसे देखकर पत्थर से पत्थर दिल भी रातों रात इंसान बन जाता है। तो प्लीज टेंशन मत ले, हमारी साइशा बहुत खुश रहेगी। हाँ बेटा, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि तुम जा क्यों रही हो। अब तुम यहीं क्यों नहीं रुक जाती? हम साइशा की शादी के लिए आए थे और वो तो हो गई ना, और वैसे भी इन बच्चों की ना बहुत लंबी छुट्टी हो गई है। देखो इन सबको, हम कल शाम को एक काशिद निकल जाएंगे साइशा के पग फिरों के बाद। चलो बच्चा पार्टी, लंच टाइम, बस हो गया गेम्स का अभी। चलो, भूख लग रही है। तुम्हें क्या खाना है? श्वेता, प्रकाश, चलो भैया हम भी खाना खाएं। तू खाना नहीं खाएगी अपने पुत्र? जी पापा जी, मैं थोड़ी देर में खा लूंगी। जी का कॉल आया था, उनका घर हमारा सुकून हाउस वो कोर्ट केस में हार गए। वापस नहीं जा सकते हम। लीला दीदी तो बहुत दुखी है, उन्हें दुख हो रहा है कि हमारे सर पे से छत छिन चुकी है। इसका मतलब हम कभी अपने घर नहीं जा सकते जान दीदी।
अब हम कहाँ रहेंगे?